इलाज के चार तरीके हैं, जैसे कि एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, हकीमी इलाज होता है, इसके अलावा रूहानी इलाज होता है, और भी दीगर इलाज हैं, लेकिन मेन इलाज ये जी। आपका जो तरीका इलाज है वो क्या है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, हमारे जो तरीका इलाज है वो इस तरीके से है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथों दोनों पाँव में समझे चार हॉस्पिटल्स जी। डॉक्टर साहब चले मैं आपको गला लगाता हूँ, ये जो आपकी जो खांसी हो रही है ना, ये गले में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स, आज का प्रोग्राम काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है। जिस तरीके से इंसानी ज़िंदगी के अंदर बीमारियों का इजाफा होता जा रहा है, इसी तरीके से हमारे पास इलाज के चार तरीके हैं, जैसे कि एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, हकीमी इलाज होता है, इसके अलावा रूहानी इलाज होता है, और भी दीगर इलाज हैं, लेकिन मेन इलाज ये हैं। आज हम आपको एक ऐसा इलाज दिखाने जा रहे हैं जो कि कलर फिजियोथेरेपी से किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है इसकी एक्सपर्टीज़ जानेंगे और वो सवालात करेंगे जो आपके लिए मुफीद होंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनकी खिदमात लेंगे, देखेंगे किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या एक्सपर्टीज़ है, तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, आज हम ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहाँ डॉक्टर साहब जो है कलर के थ्रू इलाज करते हैं लोगों का। तो आइए डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्रिया। अपना तारुफ करा दें व्यूअर्स के साथ हमारा। जी, मेरा नाम सैयद गुल मोहम्मद है, मैं कलर थेरेपिस्ट हूँ, मैं कलर से इलाज करता हूँ बीमारियों का। अच्छा, कलर से इलाज करते हैं, तो ये बताएं कितने साल का एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर? मुझे तो एक 8 से 10 साल का। आप प्लीज़ बैठे, हम बैठ के बात करते हैं इंशाल्लाह। 8 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं जो है ना मुख्तलिफ थेरेपी जो है, जैसे एकोपंचर, एक्यूप्रेशर, चाइनीज़, रशियन, कोरियन, सुजोक थेरेपी, ये मैं तकरीबन मैं 15-16 साल से कर रहा था। लेकिन ये जो ये कलर थेरेपी है जिस टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं, इस पर मैं तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। मैं मलेशिया में था, वहीं से हमने स्टार्ट लिया था। तो मुझे तकरीबन इस जो कलर थेरेपी जिसके लिए आप आए, मैं तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो तरीका इलाज है ये ईजाद कहाँ से हुआ? देखें, कलर थेरेपी को अगर देखें तो ये तो 1877 से जो है ना कलर थेरेपी चल रही है। मुख्तलिफ तरीके से क्रोमोथेरेपी है, पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर था शमसुद्दीन अजीमी साहब जो कर रहे थे रंग रोशनी से गिलास में वाटर चार्ज करके। तो ये तो कलर का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन ये जो थेरेपी है जो कि एक न्यू रिसर्च है, बिल्कुल न्यू तरीका इलाज है जो हम करते हैं डायरेक्ट कलर मार्कर से हाथ के पॉइंट्स पर करते हैं। ये बिल्कुल तकरीबन 7-8 साल हुए हैं इस टेक्निक को ईजाद हुए हुए। अच्छा, इसकी एक्सपर्टीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये बताएं कि आप इलाज किस तरीके से करते हैं? कोई पेशेंट आपके पास आता है सर के दर्द में आता है, किसी मर्ज़ में आता है, तो आप उसका इलाज किस तरीके से करते हैं? हमारे इलाज करने का तरीका ये है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ और पाँव में, बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन के पॉइंट हमारे हाथ और पाँव में बनाए। तो अब कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी में आता है तो किसी भी ऑर्गन में इसके जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अल्लाह ताला ने हाथों में जो भी पॉइंट्स बनाए हैं उसके ऑर्गन के, तो उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि कौन सी बीमारी में किस कलर की कमी है, किसकी ज़्यादती है, उसको हम बैलेंस करते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। अब जैसे अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी में जो रेनबो कलर्स बनाए हैं, वो सारे कलर्स जो है ना हमारी बॉडी में होते हैं, तो उन्हीं कलर्स की कमी या ज़्यादती की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। तो हम देखते हैं कि मरीज़ को क्या बीमारी है, तो हमें हमारी स्टडी ये बताती है कौन सी बीमारी में उनके कौन से ऑर्गन में किस कलर की कमी है, किसकी ज़्यादती है। तो हम सिर्फ सिंपल उनके हाथ या पाँव में कलर को बैलेंस करते हैं, उस कमी बेशी को दूर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी बहुत फास्टेस्ट ठीक हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कलर के बारे में बताया, तो जैसे कि हम लोग आमतौर पर रूटीन में सुन रहे होते हैं कि जनाब इसमें वाइटामिन की कमी होगा, इसको इस चीज़ के वाइटामिन देंगे तो कैल्शियम देंगे तो उसकी हारमोनीज अच्छी हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग अक्सर बर्ड्स मार्केट वगैरह, डॉग मार्केट वगैरह भी कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें जर्मन शेफर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कैल्शियम के ऊपर, तो उसको कैल्शियम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने बात करी कलर की, तो इसको मज़ीद डिफ़ाइन करें कि हमें अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो हम वो लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो बॉडी में सर्कुलेट करती है। आप कह रहे हैं कि आप पॉइंट्स के ऊपर कलर करके इसका इलाज करते हैं, इसको मज़ीद फर्दर डिफ़ाइन करें व्यूअर्स के साथ। देखें, इसमें होता ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कुछ लोगों में जो कैल्शियम की डिफिशेंसी हो जाती है या ब्लड डिफिशेंसी हो जाती है या विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाती है, वो होती क्यों है? देखें, एक अगर एक नॉर्मल इंसान को ले लें, एक बीमार आदमी को ले लें, नॉर्मल आदमी वही खाना खा रहा है, वो बीमार भी वही चीज़ें खा रहा है,
एक के अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी, एक के अंदर नहीं है, तो इसमें होता ये है कि तो हमारे बॉडी का फंक्शन होता है ना, वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, या ब्लड जो है ना कैल्शियम नहीं प्रोड्यूस कर रहा, या फिर ये कि जो विटामिन नहीं बना रहा, तो वो उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गन में कोई इश्यूज़ है। ये नहीं होता कि वो अलग से, वो अंदर ही सिस्टम नहीं, तो हम मेडिसिन में क्या होता है कि अलग से वो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेडिसिन कभी भी इस चीज़ को रिपेयर या ठीक नहीं करता, वो अलग से आपको लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। लेकिन हमारी कला थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि कौन से ऑर्गन में जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसकी कैल्शियम की कमी आ रही है, या कैल्शियम की डिफिशेंसी आ रही है, या ब्लड की आ रही है, तो हम उस ऑर्गन में, जैसे ज़्यादातर होता है स्प्लीन और किडनी की या लीवर की वजह से होता है, तो हम उसके ऊपर उन वो जो वीक हो जाता है या परफॉर्मेंस नहीं होती, उसकी एनर्जी वीक हो गई है, या उसके अंदर कोई कोल्ड या हीट स्ट्रोक हुआ हुआ है, तो उसको हम कलर से बैलेंस करते हैं कि हमें पता होता है कि कौन से कलर की इसमें कमी है, किसकी ज़्यादा है। तो एक फार्मूले के तहत जो हम उसके उस ऑर्गन पे पॉइंट्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऑर्गन बॉडी के अंदर कैल्शियम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और उसकी कमी को दूर करना पड़ता है। तो अलग से देना नहीं पड़ता, वो फंक्शन आपके दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं कि नॉर्मल इंसान के। चले, तो आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने मुझे बताया कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ही एक बंदा सेम डाइट ले रहा है, लेकिन एक के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, और एक के अंदर कम हो रहा है, तो आप कलर के थ्रू थेरेपी करके उनको बैलेंस करते हैं। अच्छा, जैसे कि एक पेशेंट आता है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो हम कुछ कलर के पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे स्काई ब्लू कलर होते हैं, इसके अंदर ऑरेंज कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, तो हाथ के मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर तो हम उसको लगाते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल उसका बैलेंस होने लग जाता है। इसी तरीके से बहुत से लोगों के अंदर यूरिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी हील पेन ज़्यादातर या फिंगर जॉइंट्स पे होता है। तो जब यूरिक एसिड के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, तो जैसे ही लगाते हैं कलर हाथ पे, उसी लगाते ही उस वक्त का यूरिक एसिड की वजह से जो फिंगर में पेन हो रहा होता है वो गायब हो जाता है, फौरी तौर पर उसका रिजल्ट आता है। जी, आपका जो तरीका इलाज है वो क्या है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, हमारे जो तरीका इलाज है वो इस तरीके से है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथों दोनों पाँव में, समझे, चार हॉस्पिटल्स दिए हैं, इस दोनों हाथों में दोनों पाँव में हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, और इसके ऊपर हम कलर से इलाज करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मैं जो यहाँ पे कलर्स लगा रहा हूँ इसका कोई वेन्स है जो कि उस ऑर्गन तक जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल की तरह होता है, वायरलेस, यानी कि सारी बॉडी के ऑर्गन्स के पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। अब जैसे किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक की हीट बढ़ी हुई है, एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रही है, तो स्टमक के पॉइंट हमारे फिंगर पे भी मौजूद हैं, तो उस फिंगर स्टमक जो बना हुआ है हमारे फिंगर पे, वहाँ पे हम स्टमक को ग्रीन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी हीट ख़त्म हो जाती है। हीट सही होती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हो जाती है, लोग को जो राइजिक वाइजिक ले रहे हैं सबसे जान छूट जाती है, जो परहेज करें सब ठीक, बिल्कुल आपके स्टमक नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल की तरह हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम ही हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अच्छा, कहने की बात ये, आप कह रहे हैं कि हैंड के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप कलर करते हैं, ठीक है, और उससे आप इलाज करते हैं, जैसे स्टमक के अंदर अगर हीट बढ़ जाती है तो आप उसमें ग्रीन कलर करते हैं तो उसकी हीट रिड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर थेरेपी, ठीक है। तो इसी हैंड के अंदर पॉइंट्स होते हैं, तो ये बताएं कि अगर जैसे स्टमक की प्रॉब्लम होगी तो आप कौन से पॉइंट को नोट करके उस पर करेंगे कलर? देखिए, मैं आपके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टमक की हीट बढ़ी हुई है मिसाल के तौर पर ना, तो ये अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे दिखाएं इसको कैमरे पे, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, यहाँ पे इस जगह पे हम ये ग्रीन कलर यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हमारे स्टमक के पॉइंट है और इसको हमने ग्रीन कर दिया, तो ये जिनको एसिडिटी होती है ना, ये इस इंडेक्स फिंगर पे भी लगाएंगे, दूसरे हाथ के भी इंडेक्स फिंगर पे इसी जगह पे लगाएंगे, तो ये क्या होगा कि लगाते ही उनको 5 मिनट के अंदर उनको ठंडक हो जाएगी, और कुछ एक आध दिन में अगर रोज़ाना ये लगाएंगे तो कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप ये 8 साल से इलाज कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो पेशेंट थे उसमें कौन कौन से पेशेंट ऐसे इनको फौरी रिलीफ मिला हो, जैसे क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक डिजीज़ लेकर आए हैं, आपने उनको इलाज किया, थेरेपी करी, कलर, तो फौरी कौन कौन से ऐसे मर्ज के पेशेंट हैं जिनको फौरन रिलीफ मिला? देखिए, हमारे इसमें सबसे जो फास्टेस्ट रिज़ल्ट आता है ना, वो पेन में, उसकी वजह ये है कि पेन आपको फील हो रहा होता है कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो वो आपको कलर, वैसे असल में हमारे इसमें होता है कि हर बीमारी में इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है, लेकिन पेन ये होता है कि आपको तकलीफ़ हो रही होती है उस वक्त, तो हम जैसे ही कलर लगाते हैं विद इन अ सेकेंड आपको फ़र्क महसूस होता है। और हमारे पास जो बहुत फास्टेस्ट रिज़ल्ट जिन चीज़ों में आया है, जैसे किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है,
तो इसमें ऐसा, जैसे हम कलर लगाते हैं, कलर टच करते ही जो है ना उसके टॉन्सिल की पेन ख़त्म हो जाती है एक सेकंड के अंदर, और बहुत रिलीफ मिल जाता है। इसी तरीके से जैसे किसी के अक्सर लेडीज़ से क्या होता है, हील पेन होता है, सुबह उठ रही है हील पेन हो रहा है, या यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में कलर टच करते ही दर्द गायब हो जाता है। और जैसे किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें हम कलर लगाते हैं, और लगाते ही उसकी चुभन ख़त्म हो जाती है और आधा घंटे के अंदर मुंह में छालों का नामो निशान नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो कि वो एक मिनट में रिजल्ट आता है, कुछ का आधा एक घंटे में आता है। जैसे किसी को लूज मोशन हो जाए, हम उसमें कलर लगाते हैं तो एक घंटे के अंदर लूज मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ये कुछ लोगों को एक दिन में आता है, किसी को एक हफ्ते में आता है, तो डिपेंड करता है उनको कौन सी बीमारी है, कितनी क्रॉनिक है, कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालिएगा। आपने कहा जैसे लूज मोशन का पेशेंट हो या छाले बिल्कुल फौरन ख़त्म हो जाते हैं, तो हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? मतलब कलर से हम कोई भी मर्ज होता है उसके लिए मेडिसिन लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है, और जहाँ हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है वो मेडिसिन वहाँ जाके वर्क करती है, उसको ठीक करती है। आप सिर्फ सिंपल कलर से इलाज कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी? कलर में कोई मेडिसिन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर और रोशनी डालना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कलर्स के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि जो हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं सिंपल नॉर्मल कलर होता है, इसके अंदर कोई चीज़ मिली भी नहीं होती है। और जिस तरीके से मेडिसिन आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है, हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ में तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट होते हैं, तो उन ऑर्गन पर जो बीमारी होती है तो किसी कलर की डिफिशेंसी या एक्सेस हो रहा होता है, तो हमें पता होता है कौन सी बीमारी में क्या कलर ज़्यादा है, कुछ कम है, तो उसको हम सिर्फ बैलेंस करते हैं, उस ऑर्गन पे उस पॉइंट कलर लगाते हैं, और उससे प्रॉब्लम फौरन रिजल्ट आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दें हमारे व्यूवर्स को कि कौन कौन से डिजीज़ के अंदर आपको अबूर हासिल है? देखें, एक इस कलर थेरेपी में, इस इलाज में तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज है। हर वो बीमारी जो कि एक्यूट बीमारी हो या क्रोनिक डिजीज़ हो, जितनी भी पुरानी हो, जो कि लाइलाज बीमारी, जो जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो भी ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो बाई बर्थ इशू होता है, जो कि पैदाइशी मसला होता है, वो भी ठीक हो जाता है। इमोशनली डिसऑर्डर हो, जिसको जो है ना कोई गुस्सा आता है या कुछ होता है, वो भी ठीक हो जाती है। एडिक्शन का भी, जिसको पान गुटखे की शराब की सब आदत है, वो भी ठीक हो जाती है। तो हमारे इसमें वैसे तो तमाम बीमारियों के इलाज है इसमें, लेकिन जब से अगर आप स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं मेरी, तो पेन के अंदर बहुत फास्ट रिजल्ट है। जैसे कि माइग्रेन पेन हो आपको, गठिया का दर्द हो, अर्कुनिसा का दर्द हो, या सर्वाइकल शोल्डर लोअर बैक पेन, घुटनों का दर्द, इवन के जो डॉक्टर कहते हैं ना कि घुटना बदलवाना है, रिप्लेसमेंट कराना है, नी रिप्लेसमेंट, वो भी ठीक हो जाती है, घुटना चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट की ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज आप जिस तरह की भी, ब्लॉकेज भी ठीक हो जाती है। लीवर का मसला हो, डायबिटिक पेशेंट हो, स्टमक का कोई इशू हो, कैंसर हो, प्लस ये कि कोई भी किसी किस्म का कैंसर हो, कब्ज की बीमारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह, स्किन की बीमारी हो, लोगों को एक्जिमा हो रहा है, लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, PCOD PCOS हो जाती है, उसको उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है, साइनस का इशू होता है, नाक बंद है, फिर उसका हेडेक है, माइग्रेन पेन है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी बीमारी, चाहे बच्चों में हो, बड़ों में हो, बुज़ुर्गों में हो, हर एज के, एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का आदमी, हर एक को हम कलर अप्लाई कर सकते हैं और सब पे काम करता है। हर बीमारी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है अल्लाह के करम से। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे अचानक से कफ स्टार्ट हो गए, और अक्सर ऐसा होता है कि थ्रॉट में कफ स्टार्ट हो जाते रिकॉर्डिंग के दौरान, तो इसके लिए कुछ आप कर सकते हैं मेरे लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ, आपके लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दिखाइए अपना हाथ। जी डॉक्टर साहब, चले मैं आपको कलर लगाता हूँ। ये जो आपकी जो खांसी हो रही है ना, ये गले में जो कंजेशन हो रही है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें किसी किस्म का भी आपके गले में, चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ या कुछ ऐसी चीज़ हुई, या फिर ये कि एलर्जी होगी, तो ये एलर्जी वगैरह की वजह से होती है, मौसम की वजह से, तो ये ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कल, अभी थोड़ी देर से आराम आएगा, कल से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये ब्लैक कलर जो हम लगाते हैं ना, तो ब्लैक कलर किसी भी किस्म की एलर्जी को या इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अच्छा, ये एलर्जी को, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। हाँ, तो ये ब्लैक कलर में ये ख़ास बात है। ये जो मैं आपके लगा रहा हूँ ना, ये बेसिकली एक लंग्स के पॉइंट है, उसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो ये उसी की वजह से हो रहा है। उस हाथ पे भी आपके लगा देता हूँ।
जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कलर थेरेपी करते हैं, अगर कोई सीखना चाहेगा, कोई करना चाहेगा कलर थेरेपी, कि मैं भी क्लिनिक इस तरीके से हेल्थ हीलिंग सेंटर खोलूं और लोगों का इलाज करें कलर थेरेपी से, तो सब कोई एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है, या इसका कोई एक्सपीरियंस है, किस तरीके से इसको सीखा जा सकता है? देखिए, जो हमारा तरीका इलाज है जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली ये किसी इंस्टीट्यूट अभी वर्ल्ड वाइड नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम कुछ लोगों की ये समझे कि रिसर्च है, कुछ लोग हैं मेरे जो इंटरनेशनली चार पांच लोग हैं मुख्तलिफ़ कंट्री से, तो ये हम लोगों की रिसर्च है। मैं भी मलेशिया में होता था तो वहीं पे हम लोगों ने रिसर्च करके इस टेक्निक को ईजाद किए, तो हमने भी कहीं से नहीं सीखा। अब ये कि हम लोग की रिसर्च वर्क अभी तक स्टिल चल रही है 8 साल से, तो अभी हो सकता है कि इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि जो है ना, मैं इसको रजिस्टर्ड करके और बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बनाऊं और लोगों को सिखाने का मेरा है इरादा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीखना लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो मेरा प्रोग्राम है कि इसको सिखाने का और एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट बना के और उसको पूरा सर्टिफिकेट देने का तो है प्रोग्राम। फ़िलहाल तो अभी आप कहीं से नहीं कर सकते ये, चूँकि बिल्कुल न्यू रिसर्च है, न्यू तरीका इलाज है बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जॉइंटिस के पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उनको कौन सा कलर लगाते हैं फिंगर पे? क्योंकि जॉइंटिस के पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि आप पीला कपड़ा ना पहने, जैसे अंडे की जर्दी ना खाएं, इस किस्म की पीली चीज़ों से अवॉइड करने का बोलते हैं, तो उससे मुतालिक भी बताएं व्यूअर्स को। ये एक्चुअली होता ये है कि जॉन्डिस के अंदर जो ना आपके लिवर की हीट बढ़ जाती है, तो उसके अंदर हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं और पिंक कलर यूज़ करते हैं, तो ये दो कलर जो है ना, जो हमारे लिवर के जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लीवर के ऊपर, लीवर में जो हीट बन जाती है इसमें आप पिंक और ग्रीन कलर लगाते हैं, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने भी मेरे हाथ पे कलर लगाया, तो इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका असर कब तक रहेगा? क्योंकि 2-3 दिन में हम लोग हाथ धो रहे होते हैं तो उसका कलर लाइट पड़ जाता है, तो कलर जब लाइट हो जाता है इस कलर का, तो ये बताएं कि फिर उसका असर कितना रहता है? देखिए, हमारे जो कलर्स का इफेक्टिव जो टाइमिंग होती है ना, उस तरीके से होती है कि ये दिन की रोशनी हो या लाइट की रोशनी हो, तो इसका 100% रिज़ल्ट आता है। अंधेरे में, रात में इसका रिज़ल्ट आता है 50%, और जो लगाने की टाइमिंग होती है वो होती है 6 से 8 घंटे कम से कम। तो अगर आप इस कलर को रोज़ाना आपको लगाना होता है, 6 से 8 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन है। 6 से 8 घंटे के बाद बेशक धो दें, वॉश कर दें, ख़त्म हो जाए, नो प्रॉब्लम है। और इस 6 घंटे 8 घंटे के दौरान अगर हाथ पर धोने से मिट जाए या हल्के हो जाए, तो दोबारा उसको टॉपअप कर लें। 8 घंटे होने के बाद बेशक मिटा दें, कोई हर्ज नहीं, सेकेंड डे फिर लगा लें। तो ये इस तरीके से लगाना पड़ता है, और जैसे मैंने बताया कि लाइट में और दिन की रोशनी में 100% रिज़ल्ट है, अंधेरे में 50% रिज़ल्ट होता है। जिस तरीके से आपने मेरे लगाया ब्लैक कलर, आपने कहा कि ये आपके चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, और फिर इसके ऊपर आपने इंडेक्स फिंगर पे ग्रीन कलर का लगाया है, तो इसमें आपने कहा कि ड्राई कॉफ के लिए, तो ये बताएं कि ये जो आपने मुझे कलर लगाए अभी, तो ये कलर कब तक चलेंगे, कितने दिन तक लगा के रखने ताकि क्योर हो जाए मर्ज? देखें, आपका जो मसला है ना, ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये आपको आज ही से फ़र्क महसूस होगा, अभी बल्कि 2-3 घंटे के बाद से जो ना, जो आपको बार बार खांसी आ रही है ना, तो वो नहीं होगी, और जो आपके लंग्स के ड्राइनेस हुई भी है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो इन्फेक्शन वगैरह है, जो एलर्जी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी 2-4 घंटे में। 3 दिन तक कर लेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो आपने मुझे इलाज दिया है उसमें ड्यूरेशन दिया आपने 3 दिन का, जिसमें 8 घंटे का वक्फ़ है कलर मुझे दोबारा उसको रीन्यू करना। ठीक है जी डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा हमने नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करी, आपसे गेट करने की कोशिश करी और व्यूवर्स तक पहुँचाने की कोशिश करी। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे भी सवालात रह गए हैं जो हमें करने चाहिए थे और जो अभी हमारे जहन में नहीं है, तो ये चीज़ मैं हमारे व्यूवर्स के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। डॉक्टर साहब हमारे टच में इंशाल्लाह, फिर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे तो डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे, नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे, और जो तरीका इलाज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आज मुझे बताया है कि आपके जो है ब्लैक कलर जो है ये चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, और ये जो इंडेक्स फिंगर के ऊपर के साइड पर जो ग्रीन कलर लगाया है ये ड्राई कफ के लिए, तो देखते हैं, मैं डॉक्टर साहब को फीडबैक ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो पाकिस्तान के अलावा भी बाहर कंट्री से देखते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, तो अगर कोई इलाज करवाना चाहेगा तो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ, तो पाकिस्तान के आप कोई भी आपके पेशेंट हैं जो आपके व्यूवर्स हैं, उनमें से कोई पेशेंट है, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में होते हैं, किसी भी कंट्री में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं।
तो उसके ऊपर मैं तरीके का इलाज ये होता है कि मैं व्हाट्सएप पे उनसे सारी डिटेल लेता हूँ। जैसे अभी मैं आपसे किसी मरीज से यहाँ पे पूछ रहा हूँ, वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में या रिटर्न में मुझे सारी चीज़ें बताते हैं। मज़ीद जो मुझे क्वेश्चन करना पड़ता है जैसे यहाँ पे बैठा के पूछता हूँ, वो व्हाट्सएप पे पूछ लेता हूँ। सारी डिटेल लेने के बाद फिर चीज़ें डायग्नोज होने के बाद फिर मैं उनका कलर चार्ट बनाता हूँ, कलर चार्ट बना के उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ। वो फिर पूरा चार्ट उनको व्हाट्सअप पे होता है और वो जिस भी अगर कोई पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान से बाहर हो उनको बता देता हूँ। वो अपने एरिया से कलर्स मार्कर ख़रीद लेते हैं, कलर चार्ट में उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ, उसको फॉलो करके कलर्स वो लगाते हैं। फिर कुछ वीडियोज़ भी हैं कि कलर कैसे लगाएँ, वो भी मैं उनको सेंड कर देता हूँ। उसको देखने के बाद फॉलो करके वो कलर्स लगाते हैं, फिर वो मुझे पिक्चर भेजते हैं कि चेक कर लें कि सही लगे नहीं लगे, तो फिर मैं उसको चेक करके बताता हूँ। जहाँ पे वो गलती हो उनको गाइड करता हूँ, तो उसको फॉलोअप में रखता हूँ। तो उसी तरीके से वो किसी भी कंट्री में हो इस तरीके से वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट मुझसे ले सकते हैं। बात तो बात में एक बात बहुत अच्छी निकल गई, जैसे कि आपने कहा मिस्टेक हो जाती है, तो ये मुझे बताएं जैसे कि अगर किसी ने कलर लगाते हैं मिस्टेक कर दी तो उस कलर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? देखिए इसमें ये होता है कि जो मैंने कलर चार्ट आपको बना के दिया, अगर आप प्रॉपर जगह पे लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं तो रिज़ल्ट आएगा। अगर आप गलत जगह पे लगा रहे हैं या गलत कलर लगा रहे हैं कुछ, जबकि मैं उस कलर चार्ट में कलर्स के नाम लिखे होते हैं फिर भी लोग कभी नज़रअंदाज करके अपनी तरफ से समझ के लगा लेते हैं यार कि नहीं ये ग्रीन नहीं ये ब्लू है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि हमारे जो मेन स्लोगन है ना वो है नो पेन नो ऑपरेशन नो मेडिसिन नो साइड इफ़ेक्ट। तो कोई भी गलत कलर गलत लगा लेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस ये होगा कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये मुझे डिज़ाइन बना के दिया है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये आपने नोट करते हुए और उसके बाद ही आपने ऑर्गन को देखते हुए ये कलर आपने लगाया, अगर इसमें जैसे लाइन है ज़रा से भी ऊपर नीचे होती तो क्या इसका असर होता है या नहीं होता? देखिए उसका असर होता है थोड़ा सा, अगर जैसे ना 19-20 का फ़र्क हो जाए तो रिज़ल्ट आता है। इसीलिए थोड़ी सी लाइन को हमेशा मोटी बनाते हैं, थोड़ा मोटी लाइन बनाते हैं ताकि ज़रा से भी लाइन आगे पीछे हो जाए तो रिज़ल्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल जगह ही चेंज हो जाएगी तो नहीं आएगा, वरना थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता तो चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा लास्ट में मैं चाहूँगा अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। जी बिल्कुल, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 0335-33-66-994, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यही इलाज के लिए आप किसी भी कंट्री से हैं किसी भी शहर में आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, अपनी बीमारी के बारे में बताएं, मैं आपको सारे डिटेल्स लेके पे आपको कलर चार्ट बना के दूंगा, उसको फॉलो करके लगाएंगे। जैसी भी बीमारी हो इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा इसको ज़रूर आजमाइएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हो फौरन आपको मिनट में रिज़ल्ट आएगा चीज़ों में, तो खुद आप देखेंगे किस तरह से इसमें रिज़ल्ट आता विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, नो मेडिसिन नो ऑपरेशन नो पेन नो साइड इफ़ेक्ट और इंस्टेंट एंड मेडिकल रिज़ल्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद हमारे ट्रीटमेंट है जिसमें बीमारियां क्योर होती हैं। दुनिया में जितने भी तरीके इलाज हैं वो आपकी बीमारियों का जो है ना मैनेजमेंट है कि आप मेडिसिन लेते रहें तो बीमारी ठीक रहेगी। हमारे इसमें क्या होता है कि बीमारी क्योर हो जाती है, कि आप इससे इलाज करने के बाद वो बीमारी ही सही हो जाती है, आपको किसी मेडिसिन की या परहेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि परहेज़ की, तो आपके इलाज के अंदर परहेज़ है या नहीं? देखिए हमारे इलाज में कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वजह ये है कि हमारे अक्सर मेडिसिन में क्या होता है कि आप वो चीज़ खा रहे होंगे तो उस मेडिसिन का असर नहीं होगा, हमारे इसमें कोई परहेज़ नहीं है। कुछ भी खा लें वो जो कलर्स ने काम करना है वो करना ही करना है, चूँकि डायरेक्ट ऑर्गन के पॉइंट्स पे लग रहा है तो रिज़ल्ट आता है, उसमें कोई परहेज़ की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन आप अगर ले रहे हैं तो उसको रोकने की ज़रूरत है, ये अपना अलग से काम कर रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक दफ़ा फिर से कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए व्यूअर्स के साथ। जी, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे व्यूअर्स मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो है 0335-33-66-994। लोकेशन बता दें अपनी। जी हाँ, मेरी जो लोकेशन है ये गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे कराची में मेरा क्लिनिक है, रेमबो हीलिंग सेंटर के नाम से मेरा क्लिनिक है यहाँ गुलिस्तान जौहर कराची में। ये रेमबो हीलिंग सेंटर जी, हीलिंग विद कलर्स। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आपके साथ गुफ्तगू करके, और इसके रिजल्ट्स भी मैं आपको बताऊँगा, फीडबैक दूंगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स आज हमने जो विज़िट किया था वो रेमबो हीलिंग सेंटर हीलिंग विद कलर्स, यानी कलर के मदद से जो थेरेपी की जा रही है, जो तरीके इलाज है वो किया जा रहा है, वो आपके साथ शेयर किया था। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। फर्दर जो क्वेश्चंस रह गए इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे, डॉक्टर साहब की खिदमात लेंगे, इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपकी क्यूरीज होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी मुझे मिले हैं तो इसके रिजल्ट्स भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह।
नेक्स्ट कमिंग वीडियो वगैरह में आपके साथ ज़रूर रिजल्ट शेयर करूंगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब को भी फीडबैक दूंगा। तो ये जो इलाज था ये आपके साथ शेयर किया व्यूवर्स, जैसे कि हमारे माशरे के अंदर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिकमत और रूहानी इलाज, ये सारे इलाज तो मेन इलाज हैं। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे इलाज हैं। उन्हीं इलाजों में से एक ये रेनबो कलर से इलाज कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ कलर के थ्रू ये थेरेपी करके इलाज करते हैं। तो हमने सोचा ये भी व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आप व्यूवर्स को पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके साथ भरपूर कॉपरेट करेंगे। फिर दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। फिर दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी कोई एक्साइटमेंट वाली वीडियो होगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में आप व्यूवर्स से मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।